अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। गाइस, सबसे पहले तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और फिर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी वायरल टोमेटो सॉस बनाना सिखाती हूँ जो आप डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत यूनिक है। जी, इसके लिए हमें चाहिए पुदीना या हरा धनिया जो भी आपके पास है। मैंने पुदीना लिया है, लेमन, और ये है 3 टमाटर, प्याज और लहसुन। अब सबसे पहले हमें क्या करना है जी, ऑयल हमने गर्म कर लिया, और ऑयल गर्म करने के बाद इसमें हमें टमाटरों को ऐसे उल्टा उल्टा सजाते जाना है, और इसको थोड़ा सा तड़पाना है, ओके, ताकि इसका ये अंदर से ज़रा सॉफ्ट हो जाए, ये भी जब से तड़पेगा। उसके बाद जी इसको भी जैसे तड़पाएंगे, इनको हमने जो जैसे तड़पाना है ये थोड़ा सा अब करना क्या इसको, अब हम इसको साइड से रखेंगे, ये जब ठंडा होगा ना तो इसको इस तरह से छिलका उतार लेंगे और आराम से कर देगा कि अंदर से पक चुके हैं, पक नहीं गए मतलब हल्के से जिसको पौते कहते हैं वो हो चुके हैं, फिर तक आराम से कर देगा। टमाटर साइड पे निकाल लिया, उस ऑयल में हमें क्या करना है, थोड़ा सा लहसुन जो है वो ब्राउन करना है। लहसुन जैसे कि 3 या 4 जब है ना बस वो उसका 3 टमाटर की मैं आपको चुटकी बनाना सिखा रही हूँ, बड़ी वायरल चुटकी है ये आजकल टमाटो। लेट्स सी, ये लहसुन हो गया गोल्डन, इसका चूल्हा कर दिया पान, इसके बाद हमें कुछ नहीं पकाना है इसमें, बस पकने का काम हो गया, अब इनको इकट्ठा कर देंगे। ये लहसुन ब्राउन किया हुआ है, अब हमने इससे क्या करना है, ये इसमें ही हमने जो धनिया या पुदीना लिया हुआ है वो डाल देना है, एक प्याज चॉप करके ये डाल देना है, और उसके बाद जी एक लेमन स्क्वीज़ कर देना है, और जो ये टमाटरों का छिलका उतार के इसको मैश कर लें, ये छोटे छोटे इसको आप हाथ से भी कर सकते हो, छुरी से भी कर सकते हो, थोड़ा हाथ से किया थोड़ा छुरी से किया। ये है जी पुदीना, प्याज, और उसके अंदर जो गार्लिक हमने करके रखा हुआ था, अब इसमें जाएगा 1 अदद लेमन, और लेमन के बाद इसमें जाएगा नमक, नमक के बाद इसमें जाएगा 4 मसाला और थोड़ी सी लाल पिसी हुई मिर्च। ये है नमक, नमक भी इसमें डाल दें, आप चाट मसाला भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा चाट मसाला भी डालूंगी ताकि टेस्ट और मज़ेदार हो, ठीक हो गया जी। लाल मिर्च के बाद इसमें आप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी मेल्ट करके डालूंगी। चलिए अब इसमें देसी घी जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने अभी टेस्ट किया है और ये बहुत मज़ेदार है, बहुत बहुत मज़ेदार है। मैंने इसमें जो मिंट डाला ना, मिंट का टेस्ट बहुत अच्छा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये आप रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, पुलाव किसी चटनी के साथ, जैसे मैंने कल रेसिपी शेयर की थी चने के पुलाव के साथ, ये बहुत अमेजिंग लगेगी। अब मैं इसमें क्या करने लगी हूँ, मेरे पास रखे हुए हैं बॉयल्ड चने, मैं इसमें मिक्स करूँगी चने, और ये इतनी मज़ेदार चना चाट बनेगी। ये हो गई है जी रेडी, इसको ज़रूर ट्राई करें, इसमें आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार है, क्योंकि एक तो टोमेटो का रोस्टेड टेस्ट है, उसके अलावा इसमें जो गार्लिक है उसका रोस्टेड टेस्ट है, इट्स वेरी डिफरेंट टेस्ट।